नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमावत और समस्त अभिभावक और जितने भी छात्र हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि COVID-19 महामारी की वजह से हमें घर में रहना पड़ेगा, पर लेकिन घर में रहकर के भी हम हमारी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। और वो हम पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको तीन ऑप्शन सजेस्ट करने जा रहा हूं। और वो तीनों ऑप्शन को ठीक से समझने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो शुरुआत करते हैं, वो तीन ऑप्शन क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है एक ऐप का, तो हम इसके लिए आपको जो है आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हम लिंक पहुंचाएंगे। वो लिंक पर आपको जाना है, जैसे कि आप देखिए स्क्रीन में पीछे देखेंगे आप कि आप हम जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, वो पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लिंक पहुंचाएंगे और आपको अपने पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप पर जाना है। जैसे कि मैं एक ग्रुप पर जा रहा हूँ, ये मैं ग्रुप पर गया और ये लिंक दी हुई है, मैंने लिंक पर क्लिक किया। लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप जो है प्ले स्टोर पर आप चले जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको एक ये ऐप दिखाई देगी। इसमें आप स्टार्ट लर्निंग पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने मान लीजिए कोई सी भी आपको क्लास चूज़ करना है, सिर्फ आपने क्लास फर्स्ट चूज़ की। अब आपने क्लास फर्स्ट चूज़ की, इसके बाद आपने सब्जेक्ट चूज़ किया, इंग्लिश ग्रामर मान लीजिए आपने किया। तो फर्स्ट टाइम जब आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपसे डिटेल मांग रहा है। बार बार नहीं मांगेगा, ये पहली बार आपको रजिस्टर करना है सिर्फ। तो फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करना है, तो मान लीजिए आपने इंटर योर नेम, तो मैंने मेरा नाम डाल दिया एस के। इंटर मोबाइल, मेरे मोबाइल नंबर लिख दिया 7987556306। फिर ईमेल आईडी, तो मैंने मेरी ईमेल आईडी लिख दी etimesunil@gmail.com। इसके बाद में मैंने पासवर्ड, अब पासवर्ड अपने हिसाब से कुछ भी बना लो, से फॉर एग्जांपल 1234 ये मैंने बना लिए। आप 5678 भी कर, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो 1234 मैंने पासवर्ड लिख दिया, मैंने इस पर एग्री किया और कंटिन्यू किया। अब जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको वापस से जो आपने ईमेल आईडी यूज़ की थी वही ईमेल आईडी यूज़ करना है, etimesunil@gmail.com। अब आपने ये आईडी, जो भी आपने ईमेल आईडी यूज़ की थी वही ईमेल आईडी वापस से आप यूज़ कर रहे हैं। और आपने पासवर्ड लिख दिया 1234, जो भी आपने पासवर्ड यूज़ किया था वही पासवर्ड आपने लिख दिया। अब आप इसको लॉगिन करेंगे, तो ये जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूँगा ऐसे ही जो है एक बार खुल जाएगी। अब आप इसको देखें, मैं इसको आप पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब आप अपनी आपको क्लास चूज़ करना है, तो अब आप क्लास पे वापस से गए, मान लीजिए आप क्लास फर्स्ट पे गए। क्लास फर्स्ट पे आप गए, क्लास फर्स्ट पे जाकर के आप मान लीजिए आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप मान लेते हैं इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाह रहे हैं। अब इंग्लिश ग्रामर पे आप गए, राइट, इंग्लिश ग्रामर पे आप गए, इंग्लिश ग्रामर पे आपने जाकर के देखा कि आपको क्या पढ़ना है, द अल्फ़ाबेट। चलो अल्फ़ाबेट आपको पढ़ना है तो अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट के बाद अल्फ़ाबेट, रीड दीस लेटर्स, ये अल्फाबेट दिया हुआ है। A, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था फर्स्ट क्लास के बारे में। अब हम वापस जाते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास कोई और क्लास है तो आप, हम किसी और क्लासेस में चले जाते हैं या कोई और सब्जेक्ट भी हम देख सकते हैं। फिलहाल हमने सोचा कि हम चलो क्लास थर्ड के बारे में कुछ पढ़ते हैं मान लीजिए। तो क्लास थर्ड पर आप गए, क्लास थर्ड पर जाकर के आप जो भी स्पेक्टिव सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट चूज़ किया, आपने मान लीजिए EVS चूज़ किया। EVS में लर्निंग इन अ फैमिली या आवर स्वीट होम, अब दो चैप्टर हमें दिए हुए हैं। अब हमने लर्निंग स्वीट होम पे हमने क्लिक किया। हेलो, आई एम, अब ये वीडियो आ गया। राहुल इज माय ब्रदर, आई एम हिज सिस्टर, वी लिव इन अ होम विद आवर मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट एंड कजिन्स। आवर्स इज अ बिग फैमिली।
We learn so many things from our family much before. तो आपने देखा कि आप देख रहे हैं ये अपना क्लास थर्ड में हम कुछ पढ़ रहे थे. इसी टाइप से जो भी आपकी क्लास है वो क्लास आप चूज़ कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट देख सकते हैं और आप जो है इस ऐप के थ्रू काफ़ी कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं. तो अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट दो ऑप्शंस की. नेक्स्ट दो ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन तो हो गया आपका जो ऐप मैंने आपको बताई, और जो दूसरे दो ऑप्शन हैं वो है आपका यूट्यूब चैनल. तो आप यूट्यूब पर आपको करना क्या है, आपको जो है जाना है सिंपली यूट्यूब पर. आप गए यूट्यूब पे, आप जाएंगे और मेरे ही दो चैनल हैं, वो दो चैनल को आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें पहला चैनल है विद्या फर्स्ट. इस चैनल पर आपको जो हायर क्लासेस है जैसे 11th और 12th की बात हम करें तो उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी. और एक बिग ट्यूटर का एक छोटा मतलब एक और चैनल है, उस पर लोअर क्लासेस के लिए आपको स्टडी मटेरियल आने वाले टाइम पर मिल जाएंगे. तो आपको करना क्या है, आपको करना है आप गए यूट्यूब पर और आपने लिखा विद्या फर्स्ट. इसमें विद्या और फर्स्ट को अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ में ही लिखना है विद्या फर्स्ट. साथ में आपने विद्या फर्स्ट लिखा, फिर आपने सर्च पे गए, आप गए, अब आपको ये चैनल आ जाएगा. आपने ये चैनल पर जाकर आप क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग प्लेलिस्ट है. इसमें वैसे मेनली 11th 12th वालों के लिए ही ज़्यादातर चीज़ें दी हुई है, उसकी या हर क्लासेस के लिए या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इसमें चीज़ें दी हुई है. तो आप बड़े आराम से इसमें चीज़ें आप पढ़ सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपने ये क्लिक किया और आप बड़े आराम से जो है आप तो कमर्शियल बैंक को बड़े आराम से चीजें पढ़ सकते हैं. आरबीआई के पास रखना है और कुछ पैसा अपने पास रखना है. जो आरबीआई के पास रखना है उसको हम बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. जो अपने खुद के पास रखना है उसको हम बोलते हैं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो. यानी कि इसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये 10% है और ये भी 10% है. एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लो कि दोनों 10% यानी कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है 20% कि 20% पैसे जो है या 20% आप टोटल डिपॉजिट वो लोन नहीं दे सकते. कमर्शियल बैंक 20% का जो है लोन नहीं दे पाएगी. यानी कि 10% अपने पास रखना, 10% जो है वो आरबीआई के पास जमा करवाना है. ठीक, तो आप मान लीजिए 1000 रुपए की डिपॉजिट आई तो 800 रुपए का ही आप इसमें देख पा रहे हैं कि आप ये जो चैनल है इस पर आप बड़े आराम से जो आप आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन सी अवेलेबल है. खैर, इसके अलावा साइट में आप जाएंगे, आप एक और चैनल है मेरा, आप उस चैनल पर आप जाएंगे. अब इसी चैनल के थ्रू आप इस पर जा सकते हैं. इस साइट में गए आप चैनल पर और यहाँ पर आप देखेंगे आप बिंग ट्यूटर नाम का एक चैनल दिया हुआ है. वो चैनल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस चैनल में आप देखेंगे स्कूल की बिल्डिंग वगैरह दिखेगी और मेरा फोटो दिखेगा आपको. इस चैनल पर आपको अभी फ़िलहाल तो जैसे कि स्कूल से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ हैं तो वो इस पर दी हुई है, और लेकिन अभी तक इस पर स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ नहीं है. तो मे भी पॉसिबल कि इस पर इन द फ्यूचर स्टडी मटेरियल भी इस पर आपको मिलने लग जाए. तो ये वो तीन ऑप्शंस है जो मुझे आपको बताना थे. आप बड़े आराम से जो है बच्चे घर पर पढ़ सकते हैं. इसके अलावा यदि आप बात करें कि आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन पर जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको और भी स्टडी मटेरियल वगैरह आपको पहुँचाएँगे. आप जो है उनके गो थ्रू करें और देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है देखने पढ़ने के लिए मिल जाएगी. आप सिलेबस क्या है वो भी आपको उस पर मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर. सिलेबस तो खैर वैसे ही नेट पर ऐसे ही रहता है तो उसको ज़रूरत नहीं है. लेकिन यदि जिससे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम बात करें 9th क्लास 10th क्लास या कोई सी भी ऐसी क्लास है, वो क्लास में किसी टीचर को लगता है कि हाँ ये यूट्यूब लिंक बेहतर है या ये स्टडी मटेरियल बेहतर है, तो वो लिंक वगैरह आप के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देंगे. तो इस तरीके से हम लोग जो है हमारी पढ़ाई को हम कंटिन्यू रख सकते हैं इस टाइम पर भी. खैर, सेफ रहे, सुरक्षित रहें, बच्चों को जो है बच्चों और आप खुद भी घर में ही रहें और पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर सकते हैं. फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद.